सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं विक्की धालीवाल एज ए ओनर ऑफ खुशी इंटरप्राइजेस, जिमें कि मैं थोड़े न पहला भी रूबरू हों रहा, और काफ़ी मेरे पुराने सबसक्राइबर को पता है कि हम लोग क्या क्या नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं, कैसे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कंपनियों के साथ जो आपकी हेल्प करती हैं आपके वीजेस के लिए। तो जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ते हैं या जुड़ रहे हैं, उन्हां वास्ते भी हम लोग बता दें कि हम पिछले 17 सालों से, फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स वी आर कंसल्टिंग एज ए कंसल्टेंट, आपकी मदद कर रहे हैं आपके वीज़ा लगाने में, टूरिस्ट स्टडी पीआर कोई भी किसी भी ढंग का अब्रोड के लिए आपकी जो भी मदद चाहिए आपको, वो लोग हम लोग अलग अलग कंपनी कंट्रीज़ में आपकी मदद करते रहते हैं और करते रहेंगे। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये पहले भी शेयर किया था लेकिन उनके कुछ वीज़ाज आ गए हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हाइलाइटेड चीज़ें बता दूँ जो आपके लिए काम आएंगी, कि कंपनी क्या चीज़ की डिमांड कर रही है आपके साथ। तो यह देखिए, यूके, आज हम यूनाइटेड किंगडम जिसको इंग्लैंड भी बोलते हैं, उसके सीजनल वर्क परमिट के लिए आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि जो उस दिन हमने आपके साथ ये पहले साझा किया था, तो उनमें ये वीज़ाज, ये लड़के 22 तारीख को चले गए हैं, ये वीज़ाज आए हैं। तो ये लोग अब चले गए हैं, जाने से पहले हम लोग डिस्कॉल नहीं करते, क्योंकि ये कुछ सीक्रेट भी होते हैं कि कोई गलत गाइड ना कर दे किसी को, या गलत गाइडेंस में आके बच्चा ख़राब ना हो जाए। तो ये वीज़ाज मैंने आपको दिखाए हैं, और इसके साथ ही सिर्फ 10 दिन के अंदर आपको जो इसकी अप्रूवल है, जिसको हम लोग कोज लेटर बोलते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यूके के अंदर आप किसी के साथ कहीं भी किथे भी जो कोई चीज़ अप्लाई करते हो, तो मेन चीज़ की है यूके दी, दैट यू विल गेट योर कोज नंबर फर्स्ट। अगर आपको कोज नंबर मिल गया है तो आपका वीज़ा कभी भी रिफ्यूज नहीं होता, क्योंकि दैट इज़ द ओनली रीज़न, कोज लेटर ही आपके स्टिकर पे लगता है। जैसे मैं आपको छोटा सा दिखा दूं, कभी भी स्टिकर जो होता है इसके, ये जो लाइन होती है नीचे ये वाली, यहाँ पे लिखा होता है COS कोस नंबर, और यही कोस नंबर, ये जो एक लड़के का 1 तारीख को हमने अप्लाई किया था, 2 तारीख को उसका हमने वीज़ा अप्रूव करवा लिया, और ये रहा कोस नंबर, यहाँ लिखा होगा 5वें 6वें नंबर पे कोस, COS कोस, और यही कोस नंबर आपके स्टिकर के ऊपर पेस्ट हो जाता है। यही आपको सिर्फ पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है, नथिंग एल्स। तो ये उसके साथ ही अपॉइंटमेंट उठा ली जाती है। यूके का जो मेन प्रोसीजर है ये है कि आप कुछ भी बाहर से नहीं ले सकते। सबसे पहले आपकी जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जाते हैं, वहाँ पे कंपनी अपना ऑनलाइन अप्लाई करती है, जब वो ऑनलाइन अप्लाई करती है तो जब वो अप्रूवल दे देती है विद कोज लेटर, तो उसके बाद आपको वो खुद ही आपके एक एटीएम कार्ड होता है जिसमें वीज़ा, ये देखिए, आपको जो एटीएम कार्ड है वो वीज़ा या मास्टर कार्ड, यू हैव ओनली मास्टर कार्ड और वीज़ा, इसके अंदर से आपकी एम्बेसी फीस काटी जाती है जो नियर अबाउट 27,000 के करीब होती है। एंड सेकेंडली, उसी टाइम जब अपनी एम्बेसी फीस काट ली जाती है, तो नेक्स्ट स्टेप में 5-4 मिनट के अंदर ही ऑनलाइन ही आपसे आपकी BFS आप कहाँ लेना चाहते हैं उसकी फ़ीस दो ढंग से है। एक की फ़ीस 7-8 हज़ार रुपये आती है, जो स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड मीन्स रेगुलर, कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं तो वो पासपोर्ट आपको 15-20 दिन में जब मर्जी एम्बेसी दे सकती है। और एक होती है प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी होती है इसके अंदर आपको सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर कंपनी ने BIP आपको एक मानता के तौर पे लेकर के आप BIP हैं, और आपने 25,000 रुपये, इसकी प्रायोरिटी की फ़ीस 25,000 रुपये है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, आपको जितनी फैसिलिटी है SMS की, आपको ईमेल की, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की, और आपको वापस पासपोर्ट रिटर्न करने की विद स्टिकर, वो सिर्फ 1 हफ्ता होती है। तो ये इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, जो पेमेंट काटी जाएगी उसका आपको यूके से
बकायदा आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा आपका बैंक के अंदर आपको कोड आएगा, ओटीपी नंबर जिसको बोल देते हैं, आप वो देते हैं तो पेमेंट कटती है और आपको वापस वहाँ से थैंक यू का एक मैसेज आता है। तो इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होता यूके के अंदर, इस चीज़ को ध्यान रखना। और हम सिर्फ 10 दिन के अंदर आपको यूके का वर्क परमिट कंपनी की इंटरव्यू के बाद लेके देते हैं, ओनली इन 10 डेज, नथिंग एल्स। इसके साथ यूके के अंदर क्या है, आपका टीवी, वो सर मेडिकल में क्या मांगते हैं, टीवी चेकअप चेस्ट की और ब्लड में समथिंग लेड पर जिसे काला पीलिया जहाँ आप बोलते कैंसर टाइप, एड्स, बस ये बीमारियाँ। तो ये इसका जो यूके का टोटल प्रोसीजर है, इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए वो प्लीज़ देख लीजिए। पहले तो 10 दिन के अंदर है विद कोर्स नंबर, आपको हम कोर्स नंबर 10 दिन में देंगे और साथ में उसी के अंदर आपको अपॉइंटमेंट डेट भी देंगे। वो जलंधर में ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, चंडीगढ़ ले लीजिए, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। चारों तरफ मिल रही है क्योंकि ये खुद ही प्रोवाइड करती है एम्बेसी, हम नहीं करते, इमिग्रेशन ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम ही प्रोवाइड करती है। अब इसमें डिमांड क्या क्या है, इसके अंदर फार्मर वर्कर चाहिए, जिसको फार्म वर्कर बोल देते हैं, फार्मर्स चाहिए, किसान, इसमें फ्रूट पिकर जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, उनको तोड़ना और चुगना, वो आदमी चाहिए, किचन हेल्पर चाहिए, और इसके अंदर लड़कियों का नैनीज भी है, चाइल्ड केयर भी, लड़कियां जाना चाहती हैं तो चाइल्ड केयर में भी जा सकती हैं, इसके अंदर हाउसमेड लड़कियां भी जा सकती हैं, लड़का और लड़की, लेडीज़ एंड जेंट दोनों जा सकते हैं, एज 20 साल से ऊपर और 45 साल के अंदर आप यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका चाहिए, आपकी मम्मी का चाहिए, आपके डैडी का चाहिए, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ का चाहिए, आपके बच्चों का चाहिए, मींस ये टोटल आपकी फैमिली बैकग्राउंड सारा मांगती हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन ये अपनी वेबसाइट पर लॉन्च करती हैं और इमिग्रेशन में रखती हैं। तो ये अपन को इसके बाद एक सिक्योरिटी बॉन्ड चाहिए, वो सिंपल तौर पे होता है पेमेंट के रिलेटेड। ये सारे प्रोजेक्ट हमें आपको देने पड़ेंगे पीडीएफ के तौर पे, क्योंकि इसमें पीडीएफ ही जाता है, नथिंग एल्स। तो ये यूके का टोटल प्रोसीजर है, इसके अंदर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो खुशी इंटरप्राइजेज जो निहाल सिंह वाला डिस्ट्रिक्ट मोगा में है, आप जब भी आ सके अप्लाई कर सकते हैं और बहुत जल्दी वीज़ा ले सकते हैं। थैंक यू।